साबिर अहमद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एरी टाइम्स। हम आपसे आज सुशांत के बारे में बात करेंगे, और आप उनसे पहले काम कर चुके हैं, उनके स्टाफ में आप एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे। और साबिर जी, आप हमें शुरू से बताएंगे कि आप और सुशांत कहाँ मिले थे पहली बार, और आप उनसे कैसे काम करने लगे? देखिए, जब मैं उनसे मिला था तो 2017 को मिला था उनसे मैं, तो एज ए हाउस मैनेजर के हिसाब से मैं उनके साथ काम कर रहा था। और लगभग कुछ एक महीने के अंदर ही उन्होंने मेरे को उनके असिस्टेंट में काम दे दिया। उनको मेरी काम पसंद आई, तो एक महीने के अंदर उन्होंने अपने पर्सनल असिस्टेंट में काम दिया, पर्सनल बॉय में। सो उनके साथ तब से मैं काम कर रहा था। 2017 को ज्वाइन किया था, 2019 लास्ट छिटोरे मूवी की शूट करके मैं वहाँ से आया था, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं थी हमारी, जैसे कि उसके बीच में मेरा ब्रेक होता था, कुछ कभी लंबा थोड़ी ब्रेक हो जाती थी, कभी छोटी ब्रेक होती थी, उसके बीच ब्रेक होके फिर वापस उनके साथ काम करता, क्योंकि उनके साथ अच्छा लगता था हमें काम करने में, बहुत मजा आ रहा था काम करने में। एकदम सॉफ्ट बंदे थे वो, जो सब समझते थे हमारा भी, और हम भी अपने एक फैमिली मेम्बर की तरह उनको ख्याल रखते थे। तो हमेशा ही अच्छा चला हमारा उनके साथ रिलेशन, जो भी था बहुत अच्छा था उनके साथ। आप क्या एग्जैक्टली काम करते थे सुशांत जी के लिए? उनका पर्सनल असिस्टेंट था। अब उनका जो भी काम रहता था, जितने भी उनको 24/7 उनके साथ में रहता था, और उनके ख्याल, उनका जो भी जरूरत पड़े, जो भी चीज की जरूरत है, वो सब कुछ मैं हैंडल करता था उनका। अगर कहीं बाहर भी जा रहे, तभी भी मैं, वो कहीं भी जाए, आउट ऑफ इंडिया भी चले जाए, तो भी मैं उनके साथ रहता था, उनके साथ में जाता था। सो उनका जितने भी काम है, उनका पर्सनल काम है, खाना पीना से लेकर सब कुछ, अगर बाहर गए तो सब कुछ मेरे को वो ख्याल रखना पड़ता था, क्या खाना है, क्या करना है उनका, कौन से चीज कौन सा टाइम पे उनको चाहिए, तो वो सब चीजों का ख्याल मेरा रखना पड़ता था। अगर मैं आपको कहूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को आप डिस्क्राइब कीजिए। काम हमेशा बहुत अच्छे से करते थे वो, जो भी काम, क्योंकि उनका काम में ज्यादा फोकस रहता था वो सब चीजों में। जैसे कोई अगर मूवी है उनके पास, तो उसके बारे में उनका फोकस, क्योंकि वो हर एक मूवी का अलग अलग काम होती है उनको, तो वो चीज में काम पे बहुत फोकस करते थे वो, बहुत काम पे ध्यान देते, हार्डवर्क बहुत करते थे वो। और जैसे कि अगर घर पे भी है वो, तो घर पे है, उनके पास दूसरा बाहर का कोई काम नहीं है, तो घर पे कुछ ना कुछ वो करते थे, या तो कभी पढ़ाई में बैठ जाते थे, या कुछ लिखने को बैठते थे, या फिर वो घर पे स्पोर्ट कुछ खेलना चालू कर देते थे। तो ऐसे दूसरा उनका, ऐसे दूसरे कुछ दुनियादारी लेके वो नहीं घूमते थे, जो भी है उनका काम में बहुत पकड़ रहता था, बहुत अच्छे से उनका पकड़ रहता था, काम ही उनके लिए सब कुछ था, क्योंकि उनका मेहनत, उनका उनका लगन उनको इतना आगे तक लेके गया, और वही चीज उनका दिमाग में था। और बहुत, जब तक मैं उनके साथ टाइम बिताया, बहुत अच्छा बिताया, क्योंकि वो हमेशा अपना हार्डवर्क में फॉलो करते थे, वो उसमें ही फोकस रहता था उनका। कभी भी आपको लगा कि वो कोई पिक्चर से रिप्लेस हुए, कहीं आपने देखा और वो डिस्टर्ब हुए कि ये पिक्चर मैं करने वाला था और फिर मैं नहीं कर पाया किसी कारणवश, ऐसे कुछ वाक्यात हुए थे? नहीं, जहाँ तक मैं बोल सकता हूँ, जब तक मैं उनके साथ था, जब भी मैं उनके साथ था, तभी ऐसे सीन कभी आया नहीं उनका, क्योंकि जो भी उनको मूवी मिला था, तो उस टाइम में दिल बेचारा मिला था, तो दिल बेचारा तो अभी रिलीज हुई है अभी, तो दिल बेचारे की शूट भी वो जमशेदपुर में हुआ था, उसके बाद छिछोरे मूवी उनको मिली, वो भी बहुत हिट गया, तब तक उनका ऐसे कुछ भी इशू नहीं था कि वो कुछ एक मूवी उनको मिली है फिर उनसे छीन लिया गया था, ऐसे कुछ कभी उन ऐसे कुछ आया, सीन आया नहीं उनके साथ, बहुत हैप्पी थे उस टाइम, जब भी मैं उनके साथ था जब तक, बहुत हैप्पी थे। जब मैं उनके पास से मैं आया था, गाँव आया था, फिर जब भी वापस गया, फिर वापस कोशिश कर रहा था जाने को, नहीं जा पाया, तब सुनने में हो रहा था, पता नहीं ये अफवाह है कि सच है, लेकिन ऐसे सुनने में आ रहा था वो कुछ डिस्टर्ब सी हो गई थी, सर कुछ डिस्टर्ब हो रहे थे, कुछ तबीयत डाउन सी होने लगी थी उनको, लेकिन उसका कारण क्या है वो पता नहीं, किस कारण की वजह से वो इतना डिस्टर्ब हो रहे थे। ये 2019 की बात है, जब छिछोरे के बाद? हाँ जी, हाँ जी। आपने कभी उनसे पूछा नहीं आगे जाके, मतलब क्योंकि आप इतने साल काम किए थे, कि सर क्या बात है, आप क्यों डिस्टर्ब्ड हैं? देखिए, उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही थी, जैसे कि मैं बोलता हूँ, जब भी मैं गांव आया, आ गया था, आने के बाद फिर वापस मैं जाने की कोशिश कर रहा था, जब भी मैं वहाँ पे था, तभी वहाँ पे दूसरा
हमारे स्टाफ के अलावा दूसरा कोई नहीं था। और जैसे मैं गया हूँ वापस जाने के बाद उनके पास, क्योंकि हमारे ये रहते कि हम आए वापस, क्योंकि सर भी बुलाते थे कभी, अगर हम लेट हो रहे तो सर बुला लेते थे कि किसी को बोलते थे और उसको फोन करो, कोई भी बंदे होने तो छुट्टी पे गए कि इसको फोन करो, बोलो काम चालू हो गए, आने के लिए बोल दो फटाफट, तो वो बोल दे देते। लेकिन उस इस टाइम ये ऐसे हुआ कि वो कभी बोले भी नहीं है, और दूसरा उनसे हमें कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। अगर हम घर वाले को किसी को फोन कर रहे हो कि सर से बात करो तो नहीं हो पा रही थी। तो ये वहां से ये चीज आ रहा था कि वहाँ पे रिया आ गई थी तभी, और रिया के अंडर सब कुछ है, वो हैंडल कर रही सब कुछ घर पे, और वो जिसको रखने के लिए बोलेगी वही रहेगा। और जितने पुराना वाला स्टाफ है, ये सुनने में आ रहा था, जितने पुराना स्टाफ है वो नहीं, उनको नहीं लेना है, और वो अपने हिसाब से स्टाफ भरेगी, जो इसको लेना है किसको नहीं लेना है। लेकिन तभी हम दूजन अशोक, जो पूरे सर के बहुत पुराने कोच थे, घर का भी बहुत एक फैमिली मेंबर की तरह ख्याल रखते थे, वो भी तभी गाँव गया था, कुछ पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम दोनों जन को वापस नहीं लिया गया था। तो वो रीजन रीजन तो क्या है वो पता नहीं एग्जैक्टली हम लोग को, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि रिया ने हमको लिया नहीं है, कि पुराना स्टाफ नहीं लेना है करके। वो रिया से मुंह से भी हमने नहीं सुना, क्योंकि उनसे भी नहीं कांटेक्ट, क्योंकि उनको हम पहचानते भी नहीं है कौन थे, कोई कांटेक्ट नंबर उनका भी नहीं है हमारे पास। तो हमारे स्टाफ से बात होती तो स्टाफ यही बोलती थी, रिया ने बोला है कि पुराना स्टाफ जितने हैं एक को भी नहीं लेना है। जब आप चले गए थे बाहर गांव वगैरह में, वहीं से आप ट्राई कर रहे थे कांटेक्ट करने को, और आपको ये कहा जा रहा था कि ओल्ड स्टाफ को नहीं लेना है। नहीं देखिए, मैं जब भी, क्योंकि छुट्टी पे आया था, मैं गांव था तभी कांटेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि तभी खबर रखता था सिर्फ सर कैसे है क्या है, क्योंकि एक दिल का रिश्ता था सर के साथ हमारा। और जब भी मैं मुंबई वापस चला गया था, मुंबई जाने के बाद, क्योंकि हमारा यही रहता है, क्योंकि वो 100% श्योर रहता था हम लोग कि हम लोग जाएंगे वापस सर के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे। लेकिन बाद में वहां पे गया तो सुना कि रिया आ गई थी, तो रिया आने के बाद ऐसे क्यों नहीं रह रहे थे, मतलब अभी अगर मिलने भी जाओ, मैं तो मिलने नहीं गया, दूसरा हमारे जो फ्रेंड है वो गया था मिलने, लेकिन उनसे नहीं मिल पाया क्योंकि एंट्री नहीं मिल रही थी उनको। आपने ऐसे कभी जाके डायरेक्ट घर पर बेल नहीं मारी कि मुझे सुशांत से बात करनी है? नहीं डायरेक्ट तो ऐसे मिला नहीं जाता, क्योंकि जितने नीचे सिक्योरिटी रहती है तो उनको बिना परमिशन के वो अंदर लेते नहीं है। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अशोक का, मेरे से बहुत पुराना था, भले ही क्यों के लेकिन घर का पूरा ख्याल रखता था, और अशोक भाई कर लेते थे, तो वो भी वो गए मिलने को, लेकिन वो नहीं मिल पाए। और मैं गया नहीं था, मैं फोन पे ही कांटेक्ट कर रहा था सबसे, लेकिन ये दिमाग में आया कि अगर फोन पे नहीं बोल रहे तो वहां पे जाके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो हम लोग को पता है कि हम भी अंदर रह के आए हैं, कि अगर किसी को ना बोल रहे तो उसको अंदर लेते नहीं है कोई, तो जाके और बेइज्जती करनी है। तो उसके बाद गया नहीं, बोला अगर सर की जरूरत होगी तो सर बिंदा फोन करेंगे हमको, क्योंकि सर से बात नहीं हो पा रही थी, और सर से फोन पे बात नहीं हो पा रही थी, मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, मिल ही नहीं पाएंगे हम, तो इसके वजह से मैं गया नहीं। फिर उनके पास मैं दूसरा कंपनी ज्वाइन कर ली। आप समीर पिठानी के टच में थे? आप उनके और स्टाफ के टच में थे? कोई रिया देखिए की जो मैनेजर थी हाँ श्रुति मोदी, उनके टच में थे? कोई और उनकी फैमिली, सुशांत की सिस्टर्स, फादर, किसी से बात हुई देखिए, आपकी? बाकी किससे मेरी बात हुई, क्योंकि ये जो स्टाफ अभी का सर का है, क्योंकि उनको मैं जानता तक भी नहीं हूँ, मिला नहीं कभी, नाम सुना है सिर्फ। और पुराना में जितने जब भी मैं था तभी अगर स्टाफ बोला जाए तो कैशअप करके जो मास्टर है कुक है वो थे, तो उनसे हमारे कांटेक्ट होती थी, तो सिर्फ वही थे बाकी पुराने में, बाकी और दूसरा कोई नहीं था पुराने में, वो भी बाद आए थे। उनसे ही कॉन्टेक्ट होता तो वो बोलते थे कि ऐसे ऐसे सीन है तो नहीं हो पाएगा करके। तो बाकी किसी से, क्योंकि वो जितने श्रुति मेरी है वो है, उनसे मेरा कभी, उनसे मिला नहीं कभी, मैं जब भी मैं था तभी वो कोई नहीं थे, और उनसे मैं मिला नहीं था कभी, तो पुराने में सिर्फ हमारा यही था केशव था, तो केशव से ही हमारी बातचीत होती थी। ऐसा कई जगह पर हम सुनते हैं कि सुशांत जी की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे थी लास्ट फ्यू मंथ्स में। आपको कभी किसी ने बताया कि वो कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं? उनके उनके उनको क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? एक्चुअली देखिए ये चीज, क्योंकि थोड़ा दिल का रिश्ता है, इसके वजह से हम अगर भले ही उनके साथ नहीं हो तो बाहर से हम लोग खबर रखते थे कि सर कैसे है, कैसे तबीयत है, सब खबर रखते थे। तो जैसे कि स्टाफ से हम
स्टाफ को फोन करता था, तो ये सुनने में आ रहा था कि जब यूरोप गए थे टूर के लिए, यूरोप से वो वापस आए थे, तब सर का तबीयत जरा डाउन हो गया था, तब से सर की चेंजिंग आ गई, सर चेंज हो गए, जो इतना बात भी नहीं कर रहे थे, जितना मस्ती करते थे उतना मस्ती भी नहीं कर रहे थे, तो तबीयत डाउन हो गई, तो कुछ सैड सा रहने लगा सर, वो यूरोप टूर के बाद ही ये चेंज की बात सुनने में आ रहा था। ये आपको स्टाफ से बताया जा रहा था जिसको आप कांटेक्ट करते थे? जी जी जी, जो आप कह रहे हैं जो मेन कुक जिनको रखा था। जी केशव जो था बातचीत कर रहा था, तो बोल रहा था कि सर जब यूरोप गए थे तो सर थोड़ा डाउन हो गए थे। सर के साथ थे तभी वो बोल रहे अभी ये सच है या अफवाह है नहीं बता सकता, पर जितना मैं सुना उतना बता सकता हूँ। कभी भी उन्होंने आपको बताया वो उस मेन कुक ने कि रिया और सुशांत के कुछ झगड़े हो रहे हैं अंदर घर में? देखिए ये सर का जब गुस्सा हुआ, पहली बात तो वो नहीं बोल सकते उनका डेट हो गया, क्योंकि वो अभी भी हमारे दिल में है, और जब ये हादसा हुआ ये उसके पहले से, क्योंकि मैं भी दूसरे कंपनी में जॉब कर रहा था, तो मेरा भी ये लॉकडाउन के टाइम थी, तो बहुत परेशानी मुझे भी थी, और दूसरा तब तक मैं काफ़ी दिन कुछ एक दो महीना उनसे किसी से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था। तो जैसे उसके पहले मैं अगर बात करूं उसका, तो तभी यही चीज़ आ रहा था कि रिया वहां पे है, और तीन यूरोप का था ये जो बताया अभी थोड़ी देर पहले, और दूसरा रिया आने के बाद सब, जैसे कि अगर खाना सर का कुछ भी सर को देना रहता था तो भी हम लोग देते थे, स्टाफ घर पे, स्टाफ जब भी घर पे सब मिल के देते थे, अगर खाना बना रहे थे खुद जाके या तो कोई मैनेजर या तो कोई स्टाफ जाके सर को पूछता था कि क्या चीज़ खाना है या क्या करना है, तो वो चीज़ ऐसे हो गया था फिर बाद में कि अगर कुछ सर को चाहिए रहेगा तो रिया के परमिशन लेना पड़ता था, रिया को पूछते थे वो लोग कि सर को क्या खाना है, तो रिया बताती थी उसी हिसाब से खाना भी बनाता था, ये सुनने में आ रहा था। तो उसके बाद रिया आने के बाद ऐसे कुछ नहीं हो कि सर सबको बोलेंगे कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो रिया कर रही थी, सर कुछ नहीं कर रहे थे। जैसे कि मैं पहला था, जितना तक मैं जानता हूँ सर के साथ मैं रहा हूँ, तब तक ऐसे चल रहा था कि जब भी सर को कुछ भी जरूरत हो सारे डायरेक्ट बोलते थे मुझे ये चीज़ चाहिए, या तो आधी रात को भी क्यों ना हो सर खुद बोलते थे हमको कि हमको ये चीज़ चाहिए ला के दो, तो हम देते थे, क्योंकि डायरेक्ट सर से सब स्टाफ का, क्योंकि सर का कुछ ऐसे सर का कभी थॉट ही नहीं था कि मेरे घर पे ये नौकर है, वो हमेशा अपने फैमिली मेंबर की तरह सबको रखते थे, बहुत खुश थे उस टाइम। और उसके बाद से ये रिया आने के बाद पता नहीं क्या हो गया सर को कि सब चेंज होने लगा था, ये सुनने में आ रहा था, लेकिन उसका मेन चीज क्या है वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो रिया ने मतलब वो कुक क्या बताते थे, रिया घर से बाहर ही नहीं जाती है, वो सारा अगर डिसीशंस वहीं ले रही है, खाना भी वहीं ले जाए? हाँ वो सर के साथ रहती थी, वो जाती ही नहीं थी कहीं पे। हाँ वो सर के साथ ही रहती थी। आपने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की वो मेन कुक के साथ कि वो 8 तारीख को या 9 तारीख जो भी रात को घर छोड़कर जब चली गई तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि आप तो कुक के टच में हो? देखिए ये बात मेरी हुई नहीं उनसे, जहाँ तक मैं बात किया था, मैं सिर्फ उतना पूछा था कि हादसा हुआ उसके पहले सर क्या कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि सुबह उठ के सर जूस पिया, जूस बना के दिया उन्होंने, कुक ने बताया, उसके बाद रूम पे, सॉरी कुक ने बताया। जी जी जिस दिन हादसा हुआ उस दिन ही, उस दिन की ही बात है कि मेरे को बता रहे थे कि जब ये सीन हुआ तो उसके पहले उन्होंने जूस पिया था, और सर कभी दिन में तो कभी रूम पे जाके सोते नहीं थे, क्योंकि अगर वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते 3-4 बजे, उनको अगर सूट नहीं है तो 3-4 बजे उनको उठना पड़ता, क्योंकि वो मून देखते थे, टेनिस कुक लगा के देना पड़ता था सर को, और तभी मून देखते थे वो, और कभी ऐसे जाके उसके बाद से वो अगर योगा वगैरह सब करेंगे वो घर पे, वर्कआउट वगैरह काफ़ी कर लेते थे घर पे, पढ़ाई विढ़ाई लिखने का बहुत करते थे वो, और कभी जाके दिन में अगर ऐसे कभी हुआ नहीं कि दिन में जाके वो रूम पे सो गए, या सुबह उठे 4 बजे वापस 8-9 बजे 10 बजे जाके सो गए, ऐसे कभी हुआ नहीं था। लेकिन उस दिन मैं शौक थी कि उस दिन ही क्यों गए सर अंदर, क्यों लॉक कर दिया, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि उसी दिन ही क्यों गए, क्योंकि सर ऐसे कभी जाते नहीं थे, जब अभी तक मैं उनके साथ था उनके साथ इतना टाइम बिताया था, अभी ऐसे कभी नहीं हुआ कि सर अंदर गए रूम पे सुबह गए सो गए लोग, ऐसे कभी नहीं हुआ, और पहली बात तो सर कभी लोग नहीं करते थे।
क्योंकि सर के साथ इतना टाइम बिताया, वो कभी ऐसे डोर लॉक करके कभी सर सोते नहीं थे, लेकिन ये चीज ही समझ में नहीं आ रही कि सर डोर कैसे लॉक हो गया, सर अंदर गए सुबह गए और जाके डोर लॉक कर रहे हैं, मतलब ये दिमाग में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि कभी ऐसे समझ में नहीं था कि सर को ऐसे दिमाग में भी आया है कि इतना इंटेलिजेंट बंदा था, इतना हार्डवर्क मैन थे, वो इतना काम में फोकस करते कि काम 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 हमेशा एकदम, कोई ऐसे गलत सोच नहीं थी उनकी, और ये सोच कैसे दिमाग में आ गई, क्योंकि एक बार एक आम आदमी को आ जाए तो वो मान सकते नहीं, बंदे का दिमाग उतना नहीं चल रहा था, लेकिन इतना दिमाग है उनके पास, इतना मेहनत किया उन्होंने, उतना मेहनत करके उतना आगे गए, उनके पास क्या नहीं है, और ये ऐसे टाइम आ गई उनको ये सोच में आ गई कि मुझे सुसाइड करना, सुसाइड तो पहली बार मुझे लग ही नहीं रही सुसाइड है, और पता नहीं हो भी सकते, लेकिन दिल में नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि दिल में हमेशा रहेंगे, था और रहेंगे हमेशा, क्योंकि बहुत दिल के रिश्ता है उनके साथ, वही उनका हम न करें लेकिन बहुत दिल का रिश्ता है उनके साथ, बहुत अच्छा लगता था काम करने में। आप बॉम्बे नहीं गए हो उसके बाद, जून 14 के बाद? नहीं, बॉम्बे में ही था, मैं अभी लॉकडाउन में ही गांव आया हूँ, मैं बॉम्बे में ही था जब उस दिन। अच्छा, जून 14 को आप बॉम्बे में ही थे? जी मैं बॉम्बे में ही था। तो हीरा नंदिर में रहता था मैं। हाँ, जब आपने न्यू जॉब ले ली थी। हाँ जी, तभी ऐसे हो गया कि मुझे पता नहीं था ये हादसा हुआ, क्योंकि सवेरे के टाइम को मैं ऐसे बाहर बैठा, तो मेरा जो कंपनी में मैं जॉब करता था वो बॉस ने, शंकरशन नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि तुम्हारा बॉस का देखो, बोला बॉस का क्या हो गया, तो जैसे मैं न्यूज बोला, न्यूज टीवी खुला और देखा, मैं एक घंटे तक मैं एकदम सुन हो गया था, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है, ऐसे सच में है क्या, ये झूठ अफवाह है ये, क्योंकि कभी ऐसे ऐसे कभी हुआ ही नहीं, कभी ऐसे सुना नहीं कि सर ऐसे कुछ प्रॉब्लम में है, क्योंकि ऐसे कभी ऐसे एकदम प्रॉब्लम, और ये पता नहीं क्यों इतना बड़ा क्या हो गया उनके साथ, ये दिन देखना पड़ा हम लोग को, कोई ऐसे अटक रहा है मेरा एकदम जुबान, क्या बोलूं अभी। फिर आप वहां पहुंचे बिल्डिंग में, उस दिन आप गए और या उस फिर उसके बाद? उस दिन जाने वाला था, तो अभी क्या हुआ, मैं जहाँ जिस एरिया में रहता था वो एरिया पूरा लॉक थी, कि वहाँ से बाहर नहीं जा, लॉकडाउन के टाइम थे, काफ़ी प्रॉब्लम थे, सो बाकी स्टाफ से मेरा जितना भी एक स्टाफ थे सब उस सबसे बात हो रही थी, सब जा रहे थे, तो हम लोग दो तीन जन कुछ गए नहीं पाए, एक बॉडीगार्ड था वो भी नहीं जा पाया और मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता था वो एरिया रेड जोन थी, तो उसके बाहर हम लोग नहीं जा पा रहे थे, तो इसके वजह से जा नहीं पाया, जितने भी बाकी स्टाफ थे हमारे वो सब गए मिलने को, लेकिन मिल नहीं पाए तो बाहर खड़े थे सब वहाँ पे। अभी आप जरूर न्यूज बहुत वगैरह फॉलो कर रहे होंगे, जो भी पेपर्स में लिखा जा रहा है, जो भी टीवी चैनल्स पे बोला जा रहा है, तो आपको अभी उनके फादर ने भी कंप्लेन की है मिस्टर के सिंह पटना में, तो आपको अभी ये पूरा क्या लग रहा है इसके बारे में? जी देखिए, ये मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी जो भी है, क्योंकि अभी सीबीआई जांच चालू हुआ है, तो मेरा तो पहले दिल से यही है कि सर को जस्टिस मिल जाए, जितने भी गुनहगार है वो सलाखों के पीछे हो जाए जल्द से जल्द, और उनके पेरेंट्स को ये इंसाफ मिले, और वो तो हमारे दिल में हमेशा से था और रहेंगे, हमेशा जिंदा ही रहेंगे हमारे दिल में, और अभी जो भी है जैसे जैसे कि ये एक दिन ये समझ में आ रही कि पहले तो पॉइंट ये है कि रिया क्यों नहीं ले रही थी पुराना वाला स्टाफ, जितना हमको हमको सुनने में आ रहा था क्यों नहीं ले रही थी, वजह क्या थी उसकी, वो वजह तो हमको भी नहीं पता है कि क्यों नहीं ले रही थी, क्या गलत किया उन्होंने, मुझे समझ इनका ये पीछे इतना बड़ा कुछ क्या है समझ में नहीं आ रहा है, किसका हाथ है, या मर्डर है, सुसाइड है, सुसाइड तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये सुसाइड कर सकते, क्योंकि बहुत साल से उनके साथ था, उनके साथ टाइम बिताया, तो वो सब अभी तक ये मेरा दिमाग में, अगर वो उन्होंने किया भी रहेगा तभी मुझे अभी तक ये दिमाग में नहीं आ रहा कि उन्होंने सुसाइड किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा कि उन्होंने सुसाइड किया है, अगर किया भी रहेगा तभी मेरा दिल पे ये नहीं आ रहा है कि नहीं ये सुसाइड किया है, मेरा दिल बोलता है नहीं किया है, जो भी कुछ भी है कुछ तो है उनके पीछे, तो जो भी है अभी सीबीआई जांच चालू हुआ है, तो हमें यही दिल से दुआ है हमेशा कि जल्द से जल्द उनके जस्टिस मिल जाए।
और कुछ याद आ रहा है आपको, स्टाफ ने आपसे कुछ बताया हो उसके बारे में या फिर रिया के बारे में? आपने शायद एक बात हमें डिटेल में नहीं बताई, मैंने पूछा आपको ये सवाल कि उनके झगड़े होते थे क्या, आपके कुक ने बताया है आपको कुछ उनमें कुछ डिफरेंसेस आ गए थे रिया और सुशांत? ये मेरी जब भी बात होती थी तो ये सब बारे में कभी बात नहीं हुआ कि कुछ झगड़े हुआ कुछ हुआ। सुनने में यह आ रहा था कि वो जब ये गई थी तो अब शायद नीरज था बंदे का नाम, मैं नाम बंदे को पहचानता नहीं हूँ, कभी मिला नहीं बंदे, क्योंकि उसके बाद मेरा बाद आया है, शायद वो रिया आने के बाद आया था वो। तो वो बता रहा था कि जिस दिन गई वो, क्योंकि वो क्या सीन हो रहा था, क्योंकि स्टाफ तो अलग रहते थे, उनके मिलके नहीं रहते थे सभी जब रिया आने के बाद। तो ये सुनने में आया कि जब वो निकल के जा रही थी तो फिर नीरज को बोली कि मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और मेरा सामान पैक कर देना। तो उसने शायद पैक भी करके दिया हुआ है। तो झगड़े के बारे में शायद उनको भी नहीं पता हुआ है करके, अगर हुआ भी रहेगा क्योंकि वो कुछ अलग ही मैटर अंदर की बात है, वो किसी को पता नहीं चला हुआ सब चीज़, वो अंदर की बात है। अगर जैसे कि मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ कि रिया की कुछ बात ये थे जो भी थे, अगर है या नहीं कुछ पता नहीं, और सच है या अफवाह है वो पता नहीं, बता नहीं सकता हूँ ये। लेकिन मुझे तो लग रहा है कुछ तो हुआ है, नहीं तो अचानक कैसे चली जाती थी। अभी कुछ मैं न्यूज़ में भी ये देख रहा था कि वो नंबर ब्लॉक करके रखी थी, ज़रूर कुछ हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने नंबर भी ब्लॉक करके रखा हुआ है, नहीं तो ब्लॉक क्यों करती थी नंबर? अगर हम किसी बंदे से अगर मैं झगड़ा किया, अगर मेरा एक दोस्त से भी झगड़ा किया तो मैं अगर झगड़ा किया तभी ब्लॉक करूँगा मैं, ब्लॉक करके रखने का सवाल तभी उठता है। छोटा मोटा झगड़े पे कोई ब्लॉक भी नहीं करता है, कुछ हुआ रहेगा उनके बीच, वो तो पता नहीं है क्या है उनके बीच में अभी तो। दुआ यही है कि जैसे बेजार्ज में कि क्यों हुआ ऐसे, क्यों किया उन्होंने, आपने तो यही है, बाकी उतना कुछ अंदर के पता नहीं किया हो। आपने कभी उनको फोन डायरेक्ट ट्राई किया सुशांत जी को फोन करके डायरेक्ट के पूछता हूँ यू नो स्ट्रेट अवे के और उन्होंने फोन नहीं उठाया, आपका फोन नहीं लगा? सुनने में आ रहा है कि बहुत नंबर्स उन्होंने चेंज किए थे, कभी आपको ऐसा यू नो देखिए जो नंबर मैं बताता हूं। हां जी, हां जी, ये ट्राई किया हमने फोन करने की, तो उनका जो नंबर था मेरा उनका जो पुराना वाला नंबर था उनपे उस पर फोन नहीं लग रहा था, तो कोशिश की तो की हमने, लेकिन फोन पे कॉन्टेक्ट उनसे नहीं हो पा रही थी। काफ़ी बार ट्राई किया तो नहीं पड़ रही, तो पता नहीं वो चीज़ अगर सिम कार्ड चेंज किया रहेंगे ये बंद हो गया। सुनने में तो आ रहा है ये बहुत सारा सिम चेंज किया उन्होंने, 50 ही कुछ सुनने में आ रहा है, क्या है या सच है पता नहीं, चेंज किया ऐसे सुनने में आ रहा है, लेकिन हमारे पास नंबर था उनका तो उसको नहीं लग रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस इंटरव्यू में आए ई टाइम्स पर, आई वंस अगेन थैंक यू।